वीडियो की ब्यूटीफुल वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की। और मौसम आपको सबसे पहले काम होता है, डेली व्लॉग है, मौसम दिखाना पड़ता है मनाली का कैसा है, क्योंकि सीजन स्टार्ट हो गया। आप में से काफी लोग प्लान कर रहे होंगे मनाली का, तो सुबह काफी तेज धूप थी, फिर बारिश पड़ रही थी काफी तेज, ठीक है, फिर उस बारिश के करके लाइट भी चली गई थी, आधा एक घंटे बाद लाइट आई है, एंड फिर जब बारिश होगी फिर लाइट आई थी। और मौसम अभी कुछ इस तरह का है, हल्की हल्की धूप आ रही है और क्लाउडी भी है साथ में। एंड अभी मेरे घर पे चिनाई का काम खत्म हो चुका है, फाइनल हो गया सारा, ठीक है, चिनाई हो गई है, तो अब कल से प्लम्बर वगैरह आएंगे, इलेक्ट्रिशियन आएंगे, इसके बाद उनका काम स्टार्ट होता है। बाकी काम करते हैं, अभी चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और करते आज की वीडियो से डे की शुरुआत। और एक और चीज़, मेरे को निकलना है जिम, ठीक है, बैग आप देख सकते हो पूरा बैग भरा हुआ है, मैंने जिम के कपड़े भी इसमें मेरे, तो मेरा यही रूटीन है, मतलब इसमें मेरी डाइट भी पड़ी होती है, जिम के कपड़े वगैरह सब कुछ है इसमें, मेरा ड्रोन भी इसी में, और ये बैग मेरे को आया हुआ है गॉड्स की तरफ से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अगर आप लोगों को ये बैग परचेज करना है ना, भाई वर्थ है ये बैग, पता है इसमें सब कुछ आ जाता है मेरा। मैंने उनको एक ही चीज़ बोली थी, क्योंकि मेरे को उन्होंने पहले एक बैग भेजा उसमें ना प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो बाद में मेरी जब बात हुई वो कहते हैं ये बेसिकली राइडिंग के लिए हाइड्रेशन बैग पैक है ये, तो इसमें आपका उतना सामान नहीं आ पाएगा, छोटे मोटे गैजेट्स आएंगे, और मेरे को ड्रोन वगैरह कैरी करने के लिए बैग एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट इसके अंदर क्या है ना, इतना स्पेस है, लैपटॉप, जिम के कपड़े, मेरे प्रोटीन्स, मेरी वाटर बॉटल्स वगैरह, ठीक है, मेरी डाइट का डब्बा, और साथ में मेरा ड्रोन, वो सब कुछ आ गया, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। तो बैग अच्छा है, अगर आप लोगों को परचेज़ करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके आप परचेज कर सकते हो, और मेरा कूपन कोड भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, उससे होगा कि आपको मिलेगा डिस्काउंट गॉड्स की तरफ, आपको गॉड्स की साइट में जाके जो भी चीज़ पसंद आती है आप लो, मेरा कूपन कोड यूज़ करो, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। उस दिन पापा ने जल्दी जल्दी में गाड़ी ऐसी ही लगा दी, मतलब आधी रोड में साइड में चिपकाई नहीं पूरी, और ऊपर से गाड़ी को कुछ करना पड़ेगा, इसको बेचना है मैंने यार, उस भाई का रिप्लाई नहीं है, धर्मशाला से आना था भाई ने लेने के लिए ना, आप में से किसी ने लेनी होगी तो कमेंट में बता दो मेरे को, और इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हो आप, सस्ते में दे दूंगा गाड़ी में। क्योंकि पता क्या हो रहा है, तीन तीन गाड़ियां हैं मेरे पास, ठीक है, एक जो जिप्सी है वो तो मैं पार्क करने जा रहा हूँ आज दोनों भाई यहाँ पे, पोलो में डेली यूज में कहीं पे भी लगा सकता हूँ, पोलो की टेंशन नहीं, क्योंकि रात को लगाता हूँ सुबह निकल जाता हूँ, उसके चलान की टेंशन नहीं है, इसकी है अब इसको कहाँ लगाऊँ, क्योंकि रोड में नहीं लगा सकते यार, गर्मियां आ गई ना चलान हो जाते हैं। पिछले साल भी मैंने बहुत चलान भरे हुए नो पार्किंग के, कुछ चलो भर दिया मैं, लेकिन यार एक गाड़ी का चलान भरना कोई ना, रोड में लगा दूंगा, एक का कर भी दिया तो कोई बात नहीं भर दूंगा मैं, लेकिन तीन तीन गाड़ी को चलान भरना बहुत मुश्किल होता है यार। तो अब इसको पार्क करते हो निकलते हैं, नोनू भाई मेरे को फोन करे काफी देर से लेके, भाई साहब रोज का काम हो गया, देखो यार ट्रैफिक पूरे हॉल से, ट्रैफिक क्राउड, लोगों को चलने के लिए भी जगह नहीं है पता, इतना क्राउड है। बियारो वाले ने रास्ते तो बनाए थे लेकिन पूरा टूट गया है इस साइड से, जो इन्होंने डंगे दिए थे ना एक साइड से टूट गया है पूरा, अब रिपेयर कर रहे हैं। पूरी मनाली में ना कोई भी इस सीट को ठीक नहीं कर पा रहा था, मनाली मोटर में आसिफ भाई ने ठीक कर दी, भाई सल्यूट है आसिफ भाई को, मजाक ना, पूरी ठीक हो गई, देखो उठा भी दी, हवा में ही पहुंच गई है, डाउन भी जा रही है, अब देखो ना, नहीं डाउन ही नहीं जा रही, तो हवा में पहुंच गई, एक मिनट, अच्छा हाँ ये भी चल पड़ा, आगे पीछे भी चल पड़ा, लेकिन ये हवा में क्यों पहुंची हुई है भाई, ये हवा में क्यों पहुंची हुई है, सीट ना ढंग से एडजस्ट नहीं हुई है, मैं भी ऐसे हवा में बैठा हुआ हूँ, तो आसिफ भाई ने सीट ठीक तो की लेकिन कनेक्शन शायद से उल्टे उल्टे हो गया, जो बटन जहाँ को दबाना हो ना उल्टी चली हुई है, अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी मैं। आजकल गाड़ी लेके तो हर जगह ही ट्रैफिक है, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे वशिष्ठ वाले एरिया में हाईवे में ही है, अभी नोनू भाई के वहाँ जा रहा हूँ मैं, स्नाक पहुंचा और यहाँ पे भी ट्रैफिक लगा हुआ है। भाई साहब नोनू भाई बोलते कहाँ से आ रहे हो, बोला चंडीगढ़ से आ रहे हो, मैं क्या ट्रैफिक इतना क्या करूँ मैं। मैंने जिप्सी की सीट ठीक तो करवा दी है, ठीक है, लेकिन इसके नट्स नहीं लगाए, तो ऐसे उछल रहा हूँ मैं हवा में, स्प्रिंग की तरह ऐसा रहा, स्प्रिंग लगे हुए इसमें, मतलब सस्पेंशन, इसे को वॉल्वो नहीं आती सस्पेंशन वाली, वैसी फीलिंग आ रही है इस टाइम पे मेरे को, और साथ में इसलिए अभी नहीं करा रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम भी नहीं आज मेरे पास, और जिप्सी अब काफी दिन तक खड़ी रहेगी, निकालनी भी नहीं है मेरे को, जैसे निकालनी होगी ना उससे एक दिन पहले आके नट ही लगाऊंगा, बाकी तो पूरी गाड़ी रेडी है, बस नट इसके लगा दूंगा एक दिन पहले। ए फंस गई, लो नहीं 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 गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, देखो सीट ठीक है, ये दिख रहा है, पहली बात तो स्लो हो गई है काफी ज्यादा, ठीक है, और दूसरी बात ये देखो मैं कहाँ पहुंचूंगा, कनेक्शन ना थोड़ा अजीब से हो गया है, ये देखो ये चली 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 चली, थोड़ी देर में ऊपर टच जाऊंगा मैं, देखो ये देखो यहाँ स्टीयरिंग देखो भाई, ऐसे कौन गाड़ी चलाता है, इसको ले जाएंगे थोड़े टाइम बाद। थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना, सस्पेंशन वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है, हाँ, और फिर धीरज भाई कैसे हैं आप, बढ़िया भाई बढ़िया, अभी आपने क्या किया, मैंने मैं तो चला भी नहीं, धीरज भाई के भाई ने क्या नाम था भाई उनका, विवेक, अच्छा विवेक भाई ने अभी पीछे डूम कर दिया डूम, और इनकी शक्ल देख रहा था मैं सबसे पहले, पैर कैसे पहुंची, बहुत नहीं आगे आती आगे आएगी, ऐसे करके आगे आएगी, अभी सेट नहीं हुई प्रॉपर सेट का, और नट नहीं लगे अभी बोल्ट, इतना ऐसे जल्दी जल्दी मिले हम पार्क कर देते हैं, देख टोरे जल्दी करो ड्रोन शॉट लेना फिर चलते हैं। नोनू भाई को अपने साथ रख रख के मैंने सुधार दिया, मैंने ब्लैक कॉफी ऑर्डर की हुई है, ठीक है, फिटनेस बिल्कुल नाइस,
बाकी यार अभी हमारा पार्टी रूम भी रेडी हो गया, उस दुनिया भरा हुआ था सामान ना, यहाँ पे थोड़ा काम जो होने वाला था उसका सामान था, थोड़ा इन्वेंटरी थी। नाइस बढ़िया लग रहा है, अभी आएंगे पार्टी करने। धीरज भाई आओगे आप? और यार ये ना धीरज भाई के ब्रदर है विवेक भाई। बाकी हम थोड़ी सी कॉफी पीते हैं उसके बाद निकलते हैं थोड़ा फन करने के लिए। आज मैंने बेसिकली बोला हुआ थोड़ा सा ब्यूटीफुल सीन्स दिखाएंगे और एडवेंचर दिखाएंगे। मेरे शादी के लिए मेरे को बंदा मिल गया, मैं ढूंढ रहा था, पता है मैं कब से बंदा ढूंढ रहा था, ही मिला मेरे को बंदा। गाना भी गाओ। दिल नहीं होता, दिन होता है दिल। अब मेरे को शादी का वीडियो बना रहा था, मैं अपनी शादी के लिए बंदा ढूंढ रहा था भाई, वीडियोग्राफर कौन मिलेगा ये वो। ममता मेरे को बोलती यार हमारी शादी में, ना बोला फोटोग्राफर कौन होगा वीडियोग्राफर कौन होगा, मैं कहीं बंदे बैठे ना मेरे पास यार टेंशन ही नहीं है। ममता मेरे को बोलती यार एक बात में कुछ बड़ी टेंशन हो रही है, मैं किस चीज़ की? एक लड़कियों को ना ज्यादा होता है, हम सोचते नहीं है, मैन वूमेन में सोचते हैं। अरे प्री वेडिंग तो मैं आपका ऐसे चलते फिरते कर दूंगा। मेरे को कहती है यार मेरे को ना टेंशन हो रही है बड़ी ज्यादा, मैं किस चीज़ में? साल है अभी यार, वीडियोग्राफर कौन होगा फोटोग्राफर कौन होगा, कितनी वो टेंशन आपकी? बोला मैं बंदे ही बंदे भरे भाई हो रहे हैं, चलते यार We are going in Germany. ये मेरे भैया भाभी हैं, इनका अभी जोगनी फॉल नहीं गए थे नीचे तब करा था। बाकी यार ब्लैक मैजिक का भी काम चला हुआ है बढ़िया। जब लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी ना उससे मतलब सारा काम कर दिया, हफ्ता बोला था ना पूरी रेडी है, तो आपको बुकिंग वगैरह करनी है ना तो आप आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हो, बुकिंग करो। और आजकल मौसम भी अच्छा हो गया है, काफी ज्यादा अच्छा हो गया। चले पिछले कल हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि कल जिमनी के साथ होगा फन, तो चल गया। और जिमनी के साथ थार भी आ रही पीछे से, यार बड़े स्लो है थार वाले भाई, धीरज भाई पता नहीं क्या करते यार, आ ही नहीं रहे हम आराम, हम पहुंच भी गए। धीरज भाई के भाई ना विवेक भाई बहुत हैवी ड्राइवर है ना हैवी ड्राइवर है भाई ये। धीरज भाई बिल्कुल आराम से चलते और इनके भाई बिल्कुल ऑपोजिट। आज हम लोग करने वाले हैं जिमनी वर्सेस थार। मेरे माइंड में ये आइडिया पता है क्यों आया, क्योंकि पिछले कल ना दो घर में क्लाइंट्स रुके हुए और वो थार लेके गए हुए थे, ठीक है। वो कहते यार हम लोगों को इतने जर्क्स लगे ना, मतलब बहुत झटके लगे हम लोगों को। मैं कहे काम करो पिछले कल आप थार लेके गए ना, आज आप जिमनी लेके जाओ, मैं फिर देखना। आप कहते क्यों, क्या फर्क है, उनको पता ही नहीं है। मैंने कहा भाई जिमनी बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, चाहे छोटी होगी मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत कैपेबल और बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, इसमें जर्क्स फील ही नहीं होते, चाहे आप ऑफ रोड करो चाहे जो मर्जी करो, चलाने में भी स्मूथ बिल्कुल। थार में ऐसे होते हैं है ना, बॉडी ऐसे। सो गाइस दिस वीडियो वाज स्पॉन्सर्ड बाय मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी वाला देखो, अगर आप देख रहे हो ना, आपकी जिमनी को इतना प्रमोट करता हूँ मैं भाई, मारुति की ही गाड़ी है मेरे पास, जिप्सी तक मेरे पास मारुति की, जिप्सी को मैंने नहीं, प्रमोट किया। चलो प्रमोशन की बात नहीं है, बट जेन्युइनली अच्छी गाड़ी नहीं, जेन्युइनली तो सच में अच्छी गाड़ी है। मैं कि यार किसी के प्रमोशन के लिए नहीं करता, ये तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं फन के लिए मारुति वालों को, इतने प्रमोट करते तो कुछ तो करो यार, लेकिन जेन्युइनली बोल रहा हूँ। और एक और बात, पार्ट सस्ते और पार्ट हर जगह मिल जाते हैं, और क्या चाहिए। एक खुशखबरी है, वैसे खुशखबरी ही बोल सकते हैं इसको, रोहतांग के लिए ना जैसे सोलांग में लिफ्ट है ना, चेयर लिफ्ट गंडोला, वैसी लिफ्ट बन रही है रोहतांग में भी, पास हो गया है ये अभी रिसेंटली, भी न्यूज में आया था शायद ना, न्यूज में आया, केबल कार बन रही है रोहतांग के लिए, बहुत अच्छी बात है। रोहतांग मतलब ये है कि आपका 12 महीने खुला रहेगा, जितनी भी बर्फ वहाँ पे है ना, सबसे ज्यादा बर्फ वहीं पे पड़ती है पूरे मनाली में, तो आप इंजॉय कर सकते हो 12 महीने, मतलब 3-4 साल तो लगेंगे कम से कम। बंजी जंपिंग भी यहाँ की, अच्छा हाँ, यहाँ पे हाईएस्ट बंजी जंपिंग भी है इंडिया की, वो भी आपको आज मैं दिखा देता हूँ। और साथ में यहाँ पे केबल कार भी खुल रही है 3-4 साल में, इंडिया की है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, आपने बताया मेरे को, इतना मेरे को सुनने में आया, मैंने भी देखा एक वीडियो आई थी एक दिन, वन ऑफ द हाईएस्ट में से है, क्योंकि आप नीचे अगर वैसे वो सब बोलते हैं यार, वैसे देखे तो सब बोलते हैं। यहाँ पे जिप लाइन देख लो, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जिप लाइन हर बंदे ने लिखा हुआ है। अब मैं नहीं बोल सकता ये बंजी जंपिंग कितनी हाईएस्ट, मतलब ये है हाईएस्ट या कोई और है, बट हाँ ये है कि यहाँ पे खुली हुई है, मैंने वीडियोस दी, मैं आया नहीं वहाँ उसके बाद से, मैं आया नहीं यहाँ पे जब से खुली है ना, उससे पहले आया हूँ। बाकी यहाँ पे एक चीज चलेगा आने वाले टाइम में, बंजी जंपिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लिफ्ट भी यहाँ पे खुल जाएगी, तो काफी मजा आएगा, काफी चलेगा ये, ठीक है मनाली को प्रमोट करने के लिए। और उससे ज्यादा एक और चीज इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे रोड चौड़ा हो रहा है रोहतांग वाला, देखो मशीनें लगी हुई है, 4 लेन बना रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है यार, 4th नहीं 2 लेन बढ़िया कर दिया रोड, रोहतांग तक रोड ऐसे करेंगे अब, खुली है बंजी जंपिंग यहाँ पे देखो, ये सामने अभी बंद है शायद से, थे नहीं यहाँ पे, हाईएस्ट तो नहीं है, हाँ वही हाईएस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ है जरूर, ओपन जरूर हुई है। भाई जी किस साइड से जाएं हम? ओके ओके
बढ़िया काम कर रहे हैं यार। एकदम याद है मैंने थंबनेल लाना है नोनू भाई को, मैंने बोला आप चलाओ गाड़ी। पहले प्लान किया था हमने गुलाबा तक चलते हैं, बट अब हम यहाँ जा रहे हैं थोड़ा सा ऑफ रोड करने के लिए। काफी टाइम हो गया ऑफ रोड नहीं किया, और आज थोड़ी सी टेस्टिंग दिखाते हैं जिमनी और थार की। क्या लगता है कौन है कैपेबल? आज कर दे लोगों की वो, आज लोगों की वो दूर कर देते हैं हम, क्या बोल सकते हैं उसको, वहम वहम दूर कर देते हैं। लेकिन एक चीज है, मेरे को लग नहीं रहा धीरज भाई करेंगे ऑफ रोड अपनी थार के साथ। हम तो डाल भी देते भाई, धीरज भाई नहीं करेंगे। बढ़िया एरियल शॉट ले लिया अभी हम लोगों ने, नाइस कैमरा भी लाया हुआ है, फोटो खींच लेते हैं एक। शिट यार नोनू भाई, जिस हमने गॉड्स के बैग की फोटो खींचनी थी ना, बैग तो लाया नहीं है अब से लेके। हम वही सोच रहे हैं, मैंने कहा बैग लाया हुआ है, लोकेशन भी अच्छी है, कैमरा भी लाया हुआ है हम लोगों ने, फोटो खींच लेंगे। सुबह आपको दे दूंगा वहीं पे, ऊपर जाके खींचूंगा। कल ही बैग की चाहिए आपकी भी? मेरी भी चाहिए ना, पहना हुआ मेरा, फेस भी ले लेना आप लगा देना। जब आज आए हुए हैं तो थोड़ा सा ऑफ रोड तो बनता है, बहुत टाइम से ऑफ रोड नहीं किया हुआ है। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज गाइस, ठीक है, जब भी कहीं पे पार्टी करने के लिए आते हो एंजॉय करो, नो डाउट व्यूज अच्छे हैं, एंजॉय करने के लिए आते हो ठीक है, एंजॉय करो, लेकिन ये सब चीजें प्लीज। और एक और बोलूंगा, ये टूरिस्ट के काम नहीं है, लोकल लोगों के काम है, यहाँ जाते हैं बियर पीने के लिए ना ऐसे फेंक देते हैं। तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, आप लोग आते हो एंजॉय करो, अच्छी चीज है, अपना ही एरिया है, लेकिन ये चीजें अपने साथ ले जाया करो प्लीज यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता अपने एरिया को गंदे कर। हम लोग टूरिस्ट को कितना बोलेंगे जब हम लोग ये चीज गंदी करेंगे, हम खुद अपनी जगह गंदी कर रहे, टूरिस्ट को हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं बियर या दारू पीने के लिए ना, तो प्लीज ये चीजें मत फेंका करो यार, जितना क्लीन रखेंगे उतना खुद को भी अच्छा लगेगा। तो अभी थोड़ा सा ऑफ रोड करते हैं हम लोग, पहले हम लोग ला रहे हैं जिमनी, ठीक है, जिमनी को हम लाएंगे, और थार का पता नहीं धीरज भाई लाए ना लाए, हम लोग तो ला रहे हैं। ओके ले आओ, रुको रुको, अरे बाहर भाई, भाई बंदे ने रुकवा दी, कहते जिमनी के साथ साथ आओ, ये कौन सी रील बना रहे हो आप? भाई ये सही था, हम लोग पहले बोल रहे थे, हम पता क्या विवेक भाई, हम बोल रहे थे हम पहले करेंगे जिमनी वर्सेस थार, अब हम करेंगे जिमनी वर्सेस विवेक भाई। आराम से, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, मैंने मोशन तोड़ा, हाँ मोशन तोड़ा, सही बात, सही बोल रहा। एक बार लो गियर लगाए, लो लगाओ, यहाँ रोको, आराम से चढ़ाने क्रॉल करने की कोशिश करो, क्रॉल करो, लो लगा था ना, फर्क देख रहे हो आप, पहले हाई में आए टायर स्पिन कर रहे थे, आराम से लो में आए इजीली चढ़ गई। ला रहे हो थार? नहीं, ये बंदे डर, विवेक यहाँ पे ले आओ, कुछ भी नहीं है, इजी है, यहाँ से आके आराम से एक बारी बस कैप दिखाते ना थार कितनी कैपेबल है। नहीं नहीं बात तो सुनो, लोग थार थार करते हैं, अभी थार थार करते हो, आज देख लेते हैं ना जिमनिया थार, जबकि डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस आराम से ऐसी है, देख लेते आज। फोर बाई एच हाई ना, फोर बाई टू नॉर्मल क्या होता है ये भाई, इससे पता चलता है ये बंदे इसमें ऑफ रोड नहीं करते। नॉर्मल क्या होता है, फोर बाई टू हाई या लो? नहीं चढ़ेगी भाई, वेट ज्यादा है। नहीं चढ़ेगी, हाई में लाओ, जबरदस्ती मत करो, आराम से। ओ भाई इन्होंने ऑफ रोड नहीं किया कभी, पता है धीरज भाई, इससे पता चलता है फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आराम से, ये नाइस। नहीं नहीं ठीक था। तो अभी विवेक भाई चढ़ा रहे हैं यहाँ से जिमनी, इजीली ये तो भाई बहुत स्मूथली चढ़ गई। हम लोग ड्राइवर्स चेंज करके भी देख रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर का भी फर्क पड़ता है। स्ट्रीम यहाँ करने लायक कुछ है ही नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर है, नहीं तो हम वहां डाल देते, बड़े बड़े पत्थर है वहां पे। स्मूथली एच में, दोनों गाड़ियां एच पे थी, जिमनी भी एच में स्मूथली चढ़ गई, ये भी, और ऑब्स्टेकल भी इजी था, उतना डिफिकल्ट नहीं है ये। ये वाला ऑब्स्टेकल पोलो भी कर लेती स्पीड में, 4x2 में। बढ़िया डांस चला पाए लोगों का, करो डांस, आप क्या कर रहे हो?
बाकी यार एक काम करते चले हम, मेरी जिम टाइमिंग हो रही है। ओके जी, आप यहीं हो कि जा रहे हो? नहीं मैं तो कल लद्दाख जा रहा हूँ। कल निकल रहे हो? कल निकल। ठीक है ठीक है, इनको भी साथ ले जा रहे हो? हाँ हाँ, एडवेंचर। उनके साथ नहीं होता एडवेंचर, आप बोर हो क्या हो गए? नहीं मेरे दोस्त लोग भी आ रहे हैं। अच्छा वो करेंगे एडवेंचर। चलो धीरज भाई सी यू, याद करना मेरे को ना, ठीक है, दुआ में याद करना, हम चले। ओके जी, बाकी यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुक गए थे धीरज भाई वगैरह, मैं मैंने तो छोड़ दिया बर्गर पिज्जा वगैरह, मैं नहीं खाने वाला हूँ, हम चलते हैं। जिम की टाइमिंग हो रही है, 7:00 to 8:00 जिम पहुँचना है। भाई बढ़िया साउंड है अपनी पोलो का, और आप लोगों को मैं बताना भूल गया, हम लोग आ गए थे अभी बांग बंटू भाई के वहाँ, पोलो खड़ी थी मेरी क्योंकि जिप्सी छोड़ी है मैंने वहाँ पे ना, तो पोलो यहीं पे लगाई थी। पोलो लेने के लिए आ गया, नोनू भाई की प्रॉपर्टी पे चलते हैं, वहाँ मेरे बैग वगैरह है, और थोड़े से ड्रोन शॉट लिए थे इनकी प्रॉपर्टी के ना, वो देने इनको। नोनू भाई बोलते मेरे को चला गया आज पोलो, बोला मैंने एग्जॉस्ट के मजे लेने, मैं ले लो यार। अब एग्जॉस्ट के मजे ले लो, मैं बिना एग्जॉस्ट के मजे लेता हूँ जिमनी के। शोर मचाती हुई जाती है भाई, ये साउंड बहुत प्यारा है, साउंड तो प्यारा है, साउंड सुन रहे हो? अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नोनो भाई के होटल पे, एंड जिप्सी अपनी हो चुकी है यहाँ पे पार्क, सेफली पार्क। नोनो भाई सेफ है ना यहाँ पे? नहीं नहीं सीसीटीवी कैमरा लगे, एक स्पेशल इसके लिए लगेगा, वो लगा सीसीटीवी कैमरा, बाकी यहीं पे रखूंगा मैं ये यहाँ पे परमानेंट पार्क हो गई अब, ठीक है, बाकी यहाँ पे सेफ है यार। वशीश में चलान करने से अच्छा है कि ये गाड़ी, और एक चीज देखो ऐसा लग रहा है ये जगह इसी के लिए बनी है, बिल्कुल साइज की है देखो, प्रॉपर साइज की साइड में चिपक गई है। यार लेट काफी ज्यादा हो गया, 8:07 अभी हो चुके हैं, 9:30 तक जिम खुला होता है, जल्दी भागना पड़ेगा, और मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं घूम के नहरकुंड होके यहीं से ओल्ड मनाली से मार्केट निकल जाऊंगा। ये आप जिम नहीं आते, आओ भी मत भाई, पता है मजाक नहीं, सीजन लगाने का टाइम है ना, मनाली में सीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ओके सी यू। कुछ सही बोल रहा था मैं, भाई अंकल ने भी समझाया सीजन मनाली में यही होता है, होटल लाइन में ना मई जून यही है कमाने का टाइम भाई। 9:10 रह गया सिर्फ, और 9:10 पे जिम बंद हो जाता है, मेरे पास सिर्फ 15-20 है अब, और अभी मैं अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ था ओल्ड मनाली से, अभी कहाँ पहुँच पाऊंगा, और यहाँ से जिम पहुँचने में मेरे को 10 लग जाएंगे, मतलब 5 हो गए जिम करने के लिए, क्या यार आज जिम नहीं हो पाएगा, आज जिम नहीं हो पाएगा, घर ही निकलते हैं, लेट हो गया काफी ज्यादा यार, बहुत लेट हो, सोचा नहीं था इतना लेट होगा, यही है मैं क्या करूं, जिम भी करना है मेरे को, ठीक है, और मेरे को पता था मेरे शेड्यूल में हैक्टिक तो होगा, यही रीजन था मैंने जिम इतने टाइम से लेके छोड़ा हुआ था, अभी तो चलो इतने टाइम से लेके मैं सिर्फ घर पे हूं, मैं इतना व्लॉग नहीं कर रहा एक्सट्रीम, पहले जैसे मैं करता था जाता था, ठीक है, तब उस टाइम तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, यही रीजन था इतने टाइम से लेके मैंने जिम छोड़ा हुआ था, लेकिन ठीक है चलो आज नहीं जा पा रहा, कल जाऊंगा, और घर जाके थोड़ा कर लूंगा, घर पे मेरे पास डंबल्स वगैरह पड़े, घर पे एक्सरसाइज करते चल के। एक गाड़ी मेरी ये रही, ठीक है, और एक मेरी ये रही, यहाँ पे दोनों सेम ही लगती है, अगर मतलब कोई ऐसे नॉर्मली देखेगा वीडियो में पता नहीं, ऐसे अगर आप देखोगे ना दोनों सेम ही लगती है, पता कई लोगों को पहले कंफ्यूज जाते थे। बाकी घर चलते हैं, आज पता नहीं चलान हुआ होगा शायद इसका, क्यों चलान वाले उस टाइम आए हुए थे, घर चलते हैं, जिम मैं नहीं गया हूँ, घर पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेट काफी ज्यादा हो गया था, घर पे चलते, घर पे डंबल्स गया मेरे पास पड़े, घर पे एक्सरसाइज करते, आज के ब्यूटीफुल से ब्लॉग करना यही एंड करता है, आई होप आज का ब्लॉग तो ब्यूटीफुल सा हुआ होगा और आपको मजा आया होगा, बाकी काम करते घर चलते और आपको मिलते कल के एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। Minimum, minimum sloth, minimum, minimum stress, that's your best, classic dress.